चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार हमारा मसला नहीं है, हमारा बहन तुम्हारे घर आ रहा है। कौन सी बहन खान साहब? यार वो ही जो अभी पढ़ाई मढ़ाई से पारे हुए यार। लेकिन शेर खान की बहन यहाँ क्यों आ रही है? अरे शेर खान ने अभी मुझे फोन पर बताया कि वो उसके लिए यहाँ लड़का देखने आ रहा है, और उसका हमारे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ हम लड़का देखने आया है, पर वो है किधर? वो कौन लड़का? अरे तूने अभी तक लड़का नहीं देखा नसवार? ओ खान साहब, ये आपकी बहन है? यार ये हमारा बहन नहीं है। क्या कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब? गौर से देखें, यही बहन है आपकी। आपने इसे रिश्ते के लिए यहाँ भेजा था और ये मुझसे शादी करना चाहती है। यार हमारा बहन का कुछ पता चला? ओ खान साहब, मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा यार, सारी दुकानों पे ढूंढा आसपास की, बल्कि मैं तो बड़े बड़े जो चार पांच स्टोर थे वहां भी गया, नहीं मिली। उत्तम हमारा बहन को ढूंढने गया था, ये चीनी लेने गया था। वही वो दुकानों पे थोड़ी मिलेगा। अरे शेर खान, मैंने करीब के सारे बस स्टैंड और सारे रक्षों के अड्डे देख लिए, तेरी बहन कहीं नजर नहीं आई है। बल्कि तीन चार घोड़ों को भी पूछा है इन्होंने। हां भाई, मैंने सारे पड़ोस के घरों में पता कर लिया, नहीं मिली। इसे कहते हैं किस्मत बेर खान। मैं साथ वाले घर में गई थी ना, वहाँ मुझे चाय भी मिली तो मूंगफली वाले बिस्किट भी। ओ यार मैं बहुत थक गया हूँ जानू। मैं भी। चलो आराम करते हैं। चलो मामो, थकावट तो कोई मुझे भी फील हो रही है, तो चले हम भी रेस्ट कर लेते हैं। चलो यार, जब तुम सब लोग चला जाएगा तो मेरे बहन को कौन ढूंढेगा? ओए तू खुद भी जरा हिल ले हरामखोर, बहन तेरी खोई है तो पसूड़ियां हमें डाल रहा है तू। और दफा ढूंढ उसको, चल चलें जी। चलो चलो मामा। यार हमारा बहन किधर चला गया, हम उसको किधर ढूंढे? The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. वे खुशबू, वो इधर शहर में आके तुम अंग्रेजी बोलना भी सीख गए। आपकी मतलूबा नंबर से फिल वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए, शुक्रिया। हैं? हमारा बहन का फोन भी बंद आ रहा है, हम अपने बहन को किधर ढूंढे? यार किधर ढूंढे? मोमो आहिस्ता खराटे लो, थोड़ी देर कैलूला करने लेटा हूँ, वो भी नहीं तुम लेटने दे रही हो। चुप रे। शेर खान तुम? हाँ मैं शेर खान। शेर खान क्या हुआ, बहन मिल गई? नहीं यार, हम तो उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए, इसलिए तुम ये आए। ना हमने कौन सा तेरी बहन को अपने तकिए के गुलाफ में छुपाया हुआ, जो तू उसे ढूंढता ढूंढता हमारे बेडरूम में घुसा है। बहुत बुरी बात है शेर खान, बहुत बुरी बात है। इस तरह किसी के बेडरूम में बगैर नॉक किए तो नहीं आते ना, जाओ जाके अपनी बहन को ढूंढो। अरे अभी दफा करो हमारे बहन को, यार हमको कुछ खिलाओ यार, बहुत भूख लगे। और यार हम जब से घर से निकला है हमने कुछ भी नहीं खाया। अरे यार मैं तो कब से तेरी बहन को गलियों में ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मुझसे तो कोई काम नहीं होता। अब तू ऐसा कर, भाभी को कह के देख ले। भाभी? यार अब हम किसको बोलेगा? अरे वो नबील है ना सामने, अपना बच्चा, उसको कह दे जाके। हाँ जी ठीक है। हाँ जा। हाँ ठीक। क्या मसला? ओए नबीला, ओए नबीला,
ओ यार खान साहब क्या हो गया आपको, एक तो नबीला ना बोला करें, नबील हूं मैं। दूसरा भी बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ी ठंडक हो जाए, शाम हो जाए, फिर ढूंढते हैं आपकी बहन को। ओ यार गोली मारो हमारे बहन को, हमको भूख लगे, कुछ खाने माने को दो यार। ओ यार खान साहब बड़े अजीब आदमी है, आपकी बहन गुम हो गई और आपको खाने की पड़ी हुई है। ओ यार हम जिंदा रहेगा तो उसको ढूंढेगा ना, मर जाएगा तो किधर से ढूंढेगा। यार खाना दो, यार खाना दो। लेकिन खान साहब घर में तो कुछ नहीं है खाने के लिए। यार तो फिर तुम बाहर से जाकर ले आओ। हाँ साहब मैं इतनी गर्मी में बाहर नहीं जा रहा। वो तुम लेते कि नहीं तुम्हारे ऐसे तेज़। हाँ साहब क्या हो गया आपको, इतना सा भी मजाक नहीं समझते आप। लाता हूँ मैं लाता हूँ, लेकिन इस वक्त खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता ले आता हूँ। वो अरे कुछ भी लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ। ठीक है मुनासिब मुनासिब, पैसे दे। वो खबीस तुम अपना जेब से हमको नाश्ता भी नहीं करा सकता। ओ खान साहब उस लड़की को आपकी बहन समझ के मैंने बहुत खातर मदारत की है, बहुत सारे पैसे खर्चे हैं उस पे जो मैंने आपसे भी लेने हैं। जो तुमने मुझसे लेना है वो पैसे हैं। हाँ जी ये लो यार पैसे, और जरा जल्दी आना। अच्छा खान साहब अभी गया और अभी आया। बहना चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी बबल। अरे मेरा बैल खुशबू, तुम किधर चला गया, अब तुमको किधर ढूंढे। मुझे याद आया। क्या माँ जी? ओ ये सारे केक रस खा गया था। हाँ मैंने किचन में जाके बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, एक भी केक रस नहीं मिला, सारे खा गया। हाँ तफा वैसे। और तुम इंसान है कि नहीं, इधर हमारा बेन खो गया और तुम केक रस में लगा हुआ है। नहीं तो तू जब दोनों हाथों से मुंह में उठा उठा के डाल रहा था तब तुझे याद नहीं आया बहन का? याद क्यों आती, हमारा बेन केक रस नहीं खाते। शेर खान भाई जब आपकी बहन को रास्तों का नहीं पता था तो आपने क्यों उसे अकेले भेजा है? हाँ यार शेर खान तुम्हें उसे अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था। वो तेरा सलाम को उसी के साथ आना था, लेकिन पिशावर में छोटा जहाज चलता है, उसमें सिर्फ एक सीट था। खान साहब ज्यादा छोटा नहीं कर दिया जहाज आपने। हमने सोचा कि सुबह बहन जा रहा है, दोपहर को हम खुद पहुँच जाएगा, इसलिए तुम्हारा घर पे भेज दिया था ताकि तुम उसका ख्याल रखो। ओए पुत्र कहीं वो गीदड़ खान की बहन तो नहीं थी जिसे सवेरे हमने घर से निकाल दिया था? क्या ओ क्या कर रही है माँ जी, मरवाएंगी क्या? ओए तुमने हमारा बहन को घर से निकाला था? अरे नहीं शेर खान, वो तो कोई मांगने वाली थी, तुम्हें अपने भाभी की याददाश्त का पता नहीं है? नहीं जी वो तो खुद कह रही थी के। अरे तुम तो चुप करो मोमो। चल शेर खान तेरी बहन को चल के ना दोबारा ढूंढते हैं, क्यों नबील? हाँ हाँ इससे पहले कि माँ जी कोई और भंड कर दे मेरा ख्याल, चलते हैं मामू साहब। खान साहब आपकी बहन की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ क्यों नहीं है, अभी दिखाते हैं। ये देखो है? अरे तुमने इतनी छोटी बच्ची को अकेले कराची भेज दिया? ये तो उसका बचपन का तस्वीर है। ओ यार खान साहब आप कमाल करते हैं यार, आपकी बहन की बचपन की तस्वीर दिखा के हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे यार? नहीं यार मगर हमने तो उसको देखा हुआ है। अरे हमने तो नहीं देखा ना, हमें तो दिखा उसकी फोटो। ठीक है हम दिखाते हैं, मगर बात सुनो, भाइयों की नजर से देखना। हाँ भाई की नजर से ही देखूंगा, दिखा दो। क्या हुआ मामू साहब? वही है वही है। वही कौन? वही जिसकी बचपन की तस्वीर तुमने अभी दिखाई है, ये वही लड़की है ना? हाँ वही वही हमारा बहन है। बहुत टाइट है आइडिया, बहुत टाइट आया खान साहब, कमाल टाइट आइडिया आ गया। अच्छा वो क्या है? अब हम ये फोटो लेके ना आपकी बहन को ढूंढते हैं, क्यों मामू साहब? वो जो हम साथ लेके इसकी बहन को ढूंढेंगे वो फोटो होगी। हाँ जी। अच्छा जी आओ शेर खान पे चले, चले आओ चले 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 चले। हेलो भाई एक सेकंड, तुमने इस लड़की को देखा? नहीं नहीं जी। अच्छा आइए खान साहब आगे ढूंढते हैं, आ जाए। डिस्को दीवाने जा, ये बता तूने इस लड़की को कहीं देखा है? दिखाना जरा।
नहीं देखा। ओ चमकू, जब देखा नहीं था तो इतनी देर से सोच क्या रहा था? भाई अपनी एंट्री पक्की कर रहा था। अरे चल निकल यहाँ से। चल बदल, ये लो पकड़ो। यार महबूब साहब, लोग तो हमारे साथ खेलना शुरू हो गए हैं यार। यार अब बात सुनो, अब हम किसी कमीने को अपना बहन का फोटो नहीं दिखाएगा। यार ये लोग तुम्हारा नाक कटवा रहे हैं। अरे हम तो तेरी मदद कर रहे हैं शेर खान। हाँ तस्वीर नहीं दिखाएंगे तो आपकी बहन कैसे मिलेगी? हाँ। यार खान साहब, ओ फैजी चीटर इधर आ। अरे आप लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, इधर मुझे भी तो दिखाएं। ये देखो। वाह वाह अच्छी है भाई, अगर ये मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। चलो यार हमने अपने बहन को ऐसे नहीं ढूंढना है। हाँ यार हम भी थक गए अब। हाँ यार वो केले मीठे भी नहीं है, कच्चे हैं, कच्चे हैं। यार महबूब तुम हमारा कैसे दोस्त है? इधर हमारा बहन खो गया है और तुम इधर केले खा रहे? अरे ढूंढ तो रहे हैं यार, अब क्या तुम्हारी बहन के चक्कर में हम भूखे प्यासे रहकर जान दे दें? और नहीं तो क्या यार, आप हमारा एहसान मानने की बजाय हमें बातें सुना रहे हैं। अच्छा यार ऐसा करो, नाराज मत हो, हमको भी केला खिलाओ यार। चलो ठीक है, बस एक ही खाना है आपने, पकड़े। चलो आओ आओ, सिरका उतार लो। से ये बादाम तोड़ दे जरा। अखरोट माँ जी? हाँ पुत्र, अपने अखरोट से ये बादाम तोड़ दे। क्या हुआ महमूद साहब, शेर खान की बहन का कुछ पता चला? और क्या हुआ, उसकी लाश मिल गई है? माँ जी क्या कर रही है यार? और तो फिर ये रो क्यों रहा है? और दफा करे यार, जानू जल्दी से खाना लगाओ यार, बहुत भूख लगी हुई है। नबील मैंने तो खाना नहीं बनाया। क्या यार, हमारा तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें यार, ना हमारा बहन मिल रहा है और ना यहाँ पे खाना मिल रहा है। वो शेर खाना, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यार? मैंने यहाँ हम आपकी बहन के बारे में सोच रहे थे, तो खाना कैसे बनाते? अरे हाँ यार शेर खान तू खुद सोच, अरे ये खाना कैसे बनाते? अच्छा चल तू फिकर निकाल, पैसे निकाल, मैं खाना बाहर से ले आता हूँ। क्यों नबील? हाँ जाहिर है महमूद साहब, सोग वाले घर में खाना कहाँ बनता है। शेर खान पैसे निकाल। मेरे लिए ना चिकन पनीर ले आइएगा। मेरे लिए निहारी कुलचे। मैं तो सुपर सैलेड खाऊंगी। माँ जी आप क्या खाएंगी मीठे में? गुलाब जामुन। महमूद साहब मेरे लिए ना दो जोड़ी खीर की ले आइएगा। और मेरे लिए एक चीज केक प्लीज। शेखान खाना क्यों नहीं खा रहे? और कैसी बातें कर रही हो, कैसे खा सकते हैं वो खाना जिस शख्स की बहन जवान खूबसूरत गुम हो गई हो, उसके हलक से कैसे नवाला निकल सकता है? क्यों खासा? हमने भी फिर फैसला कर लिया है वापस जाने का। नहीं, जब तक हम अपना बहन को नहीं ढूंढ लेगा हम पर खाना पीना आराम है। चल पुत्र अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से खाना खाते हो। चलो चलो खाओ। चबा चबा गया, चबा चबा गया, चबा चबा। बड़ा अच्छा आदमी है तू है, हमने तेरी बहन को घर से निकाल दिया तो तू हमारी अयाशियां करा रहा है। क्या बोला तुमने? माची तुमने हमारे बहन को घर से निकाला है, हम तुमको गोली मार देगा। कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब, मैंने तो आपकी बहन को देखा ही नहीं है। अगर मैं देख लेता तो मैं पागल था उसको घर से निकालता, मुझे निकालना होता तो मैं खूबसूरत को घर से निकालता। शराब नबील, तुम झूठ बोलते है खबीस। ओ यार महमूद साहब मुझे बचा ले वरना मैं आपको फंसा दूंगा। अच्छा अच्छा, अरे शेर खान, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, हम तो खुद तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी बहन ढूंढ रहे हैं, हम उसे घर से क्यों निकालते भाई? अरे तो फिर हमारा बहन किधर चला गया?
महमूद साहब अब बट साहब को बुलाना ही पड़ेगा, वो ही कुछ करेंगे। हाँ खूबसूरत, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें बट साहब को बुलाना चाहिए। एक मिनट, मैं पहले बचा हुआ खाना समेट दूं। बट साहब, हेलो हेलो बट साहब, बट साहब हमें एक मरतबा फिर आपकी जरूरत पड़ गई है, बस आप जितनी जल्दी हो सकता है ना आ जाइए हमारे यहाँ। जी नबील दरवाजा खोलो जाके, बट साहब दरवाजे पे ही खड़े हैं। वो यार इस आदमी को और कोई काम ही नहीं है, जब देखो हमारे दरवाजे पे खड़ा होता है। मैं जाता हूँ। जाओ जाओ जाओ। ना, ना, ना मेरी जान शेर खान, बिल्कुल नहीं रोना है, बस बट साहब आ गए हैं, अब तुम्हारी बहन मिल जाएगी। पक्की बात है ना? आपको कैसे पता कि आपकी बहन गुम हो गई है? यार वो इसलिए कि वो हमको मिल नहीं रहे। हो सकता है वो आपसे मिलना ही ना चाह रही हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो सुबह उसको खुद जाल में बिठाया था इस घर पे आने के लिए। यही तो गलती कर दी तुमने, इस घर में तो जाल उतारने की जगह ही कोई नहीं है। ये बताओ ये आदमी क्या पागल है? एक मिनट, हेलो, क्या कहाँ? ओ लड़की का उलिया बताओ। अच्छा ओके बाय। क्या हुआ बट साहब? समुंदर के किनारे एक लड़की की लाश मिली है। क्या? हाँ शक्ल से पठान लगती है, बुर्का भी पहना हुआ था। नहीं ओए महमूद, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हमारा पेन तुम्हारा जिम्मेदार। रीता जरूर तुमने उसके साथ कुछ ऐसा किए कि उसने खुदकशी की है। नहीं शेखान, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। अब तुमको गाली मारेगा। बट साहब आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, पकड़े शेर खान को। भाई जब तक ये गोली नहीं मारेगा मैं पकड़ू कैसे इसको। चले फिर खान साहब जल्दी से गोली मारे यार। एक मिनट शेर खान, अगर तुम इन पर शक है कि तुम्हारी बहन की मौत इनकी वजह से हुई है तो मुझे तफ्तीश करने दो, अगर ये लोग मुजरिम हुए तो इनको सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमारा ये शर्त है कि इनको सजा हम खुद देगा। डन। माजी खूबसूरत, आप लोग पहले मेरे साथ लॉन में आओ। ठीक है, दफा कर इन सारों को, हम लोग लॉन में बैठ के ना चाय पीते हैं। तो चाय नहीं पीनी, आप लोगों से तफ्तीश करनी है। चलो आओ। आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? देखिए बट साहब, मैंने तो उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन इन लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती, ना ही इन पर भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने खुद ही मार दिया उस लड़की को। बट भाई सवेरे वो लड़की आई थी ना, तो मैंने डर के मारे उसे घर में ही नहीं घुसने दिया, भगा दिया। मुझे क्या पता था कि ये ज़राफ़े खान की बहन निकलेगी। अब मुझे नबील और महमूद से तफ्तीश करनी पड़ेगी। देखो मुझसे झूठ मत बोलना, जो भी कुछ किया ना सच सच बता दो। मेरा ख्याल है महमूद साहब, बट साहब अपने ही आदमी है, इनसे क्या छुपाना है, तो आप इनको सब कुछ सच सच बता ही दें। हाँ ये कुछ नहीं कहेंगे, अपने ही आदमी है, कुछ नहीं कहेंगे। अरे बट साहब बताना क्या है, मैं सुबह सुबह ना सौदा लेके आ रहा था तो हमारे घर के दरवाजे पे ना एक बच्ची खड़ी रो रही थी, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बच्ची। उसने रोते हुए कहा कि मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मैं समुंदर में छलांग लगाने जा रही हूँ। हाँ बट साहब मुझे लगता है कि नबील ने ना उस अकेली लड़की को अकेला देखकर उसके अकेलेपन का ना अकेले अकेले फायदा उठाने की कोशिश की है। अच्छा ओ बस कर दे महमूद साहब, मैं कब से शेर खान से आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरे ऊपर ही बलि डाल रहे हैं। बट साहब आप सच सुनना चाहते हैं ना तो सुने, इस बुड्ढे ठरकी छछोरे आदमी ने शेर खान की बहन को छेड़ा था। क्या? बट साहब इस आदमी का मुंह गौर से देखें, इसके मुंह के अंदर एक अमरेशपुरी छुपा हुआ बैठा है जो मासूम लड़कियों को छेड़छाड़ करता है फिर उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। आप चुप करें, बट साहब मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर में और भी लड़कियों को अगवा करने और उन्हें मारने की जो वारदातें हो रही है ये शख्स कर रहा है। ये भेड़िया है बट साहब, भेड़िया पकड़ने से और ले जाए मेरी नजरों के सामने से, ऐसा ना हो कि मैं इसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूं। ओए तू भाग कह रहा है, तुझे तो मैं डालूंगा जेल में और जितने भी पेंडिंग केसेस है ना मेरे वो सब तुझ पे डालने मैंने। अरे यार बट साहब आप तो मेरे दोस्त हैं, अगर केस डालनी है तो शेर खान पे डाले ना। वही उस शरीफ आदमी पे मैं केस क्यों डालूं? बट साहब 5,000 में भी नहीं डालेंगे। तूने क्या समझा हुआ है, मैं 5,000 में बिकने वाला आदमी हूँ? 10,000।
25,000 दे तो मैं शेर खान के पास जाता हूँ। ओके, अब देखो कि मैं करता क्या हूँ। बट साहब, यार बात सुनो, वो खबीस कातिल का कुछ पता चला? हाँ पता चल गया शेर खान। तो फिर हमको बताओ कि वो खबीस कातिल कौन है? हम उसको अपने हाथ से गोली मारेगा। तो फिर मारो अपने आप को गोली। हाँ हाँ, क्योंकि तूने अपनी बहन का खून किया शेर खान। वो तुम कैसे बात करते हैं, हम अपने बहन का खून क्यों गिरेगा? वो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि 25,000 में मेरी बीवी के 3 सूट आ जाएंगे। हाँ चल लो, तुझे तो मैं फांसी पे लटकाऊंगा। एक मिनट, पठान को टच नहीं करो, हम खुद चलते हैं। किधर चल रहे हैं? चलो 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 फिर आ जाओ। खुशबू, ओ यार तुम घर पे पहुंच गए? किसने? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तुम फोन बंद करो, हम अभी इनको देखते हैं। वही महमूद, तुमने दोस्तों के हमारा पीठ में चूरा घोंपा है, वो हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे फांसी से बचेगा तो छोड़ेगा नहीं ना। ओए अब फांसी किस बात का, हमारा बहन तो जिंदा है और वो पिशावर पहुंच गया है। ओए तुम अपनी बहन के जिंदा होने से पहले पकड़े गए थे, उस कत्ल की सजा तो तुझे मिलेगी ना। हाँ बट साहब, ले जाए इस कातिल को। ओए खबीस तुम चुप करो। ओ बट साहब एक बात बताओ, वो ये कत्ल का क्या सजा है? फांसी। और 5 कत्ल का? फांसी। तो फिर ठीक है, हम तुम सबको गोली मार के फांसी पे चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकल।